अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैम रहमुद्दीन खादरी आपका भाई। आज 25 अक्टूबर है। आज मैं मेरे ससुराल के घर पे आया। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बीवी से, मेरे बच्चों से मेरा आज मैं मुलाकात करा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बड़े भाई हकीम भाई मेरा बहुत साथ दिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया दुआ करने का, और मेरे बीवी बच्चों के लिए भी दुआ करिए। और मैं जिस किसी को कुछ भी बोला, मैं बड़ी बात बोला या किसी से दुश्मनी है मेरी, मैं सब दुश्मनी खत्म कर दिया, मेरे माफ कर दो आप लोग। और आज से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी अलग रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बच्चों को लेकर चलूंगा मैं। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, जो मेरे बीवी बच्चों के लिए दुआएं करे, मिल जाओ बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुलाकात हो गई। मेरे ससुराल वालों से भी मुलाकात करा, मेरे सालों से भी मुलाकात करा हुई। मेरे साले मेरे भावों से बढ़ते हैं मेरे को। और मैं आज के बाद किसी को कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। मैं हाथ जोड़ के मैं सबसे माफी चाहता हूँ। मैं आज के बाद किसी को गलत बात नहीं करूंगा, किसी को बड़ी बात नहीं करूंगा। और अब एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर मेरी बीवी नाहिदा खादरी मेरे बच्चों के बारे में कुछ गलत पोस्ट मत करिए। अल्लाह के वास्ते मेरे घर की इज्जत है, आपके घर की भी इज्जत समझिए, आपकी माँ समझिए, बहना समझिए। और मैं आज के बाद किसी को गैर गलत नहीं बोलूंगा। मेरा आज के बाद कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं मेरे बी बच्चों के साथ हंसी खुशी रहूंगा। बस मेरे बी बच्चों के हक में दुआ करिए। और ये मेरे बड़े भाई हकीम भाई है, जो स्टार्टिंग से हकीम भाई सेवन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, स्टार्टिंग से भाई की बहुत कोशिश थी। मैं भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह रसूल के बाद। मेरे भाई मेरे को मेरे बी बच्चों से मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाई बुजुर्ग। अब रहीम भाई और नाहिदा खादरी मेरी बहन बहुत और उनके लड़कियां आपस में सब कुछ मिलिए हैं भाई। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इनके ताल्लुक से कोई गलत कमेंट ना करें, क्योंकि दो लोगों को मिलाना कितनी नेकी का काम है ये अच्छी तरह जानते हैं। फिर ये मियां बीवी है भाई, हर मियां बीवी में कुछ ना कुछ गलत फहमियां होते, ना इत्तेफाकी होती, फिर वो मिल लेते। लेकिन आप लोग कुछ उनके कमेंट्स गलत करके उन लोगों के लिए अच्छी दुआ करिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके बच्चों की जिंदगी के लिए। लेकिन गलत कमेंट करके ऐसा कुछ मत बोलिए कि फिर दोनों में कोई नाराजगी ना हो जाए। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि मैं रहीम भाई को मेरा भाई समझता हूं और नाहिदा खादरी मेरी बहन है छोटी, क्योंकि मैं दोनों से भी बड़ा हूं। इस वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई कि कोई गलत कमेंट मत करिए, आज से भूल जाइए कि कुछ हुआ, क्योंकि आप लोगों के गलत कमेंट की वजह से नाहिदा खादरी भी डिप्रेशन में आ जाएगी। आप देखिए, अगर आप मुझे भी कोई कमेंट करते हैं तो मेरे भी दिल को बहुत तकलीफ होती है। मैं सोचते रहता हूं, फिर वो तो एक औरत है, उसको भी तकलीफ होगी। मत करिए ऐसा, कोई कमेंट मत करिए। अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। ये मेरा भाई है रहीम भाई, अगर इनको कोई तकलीफ होगी, वो मेरी बहन है, मैं उनके लिए कभी भी जाऊंगा, मैं जब तक जिंदा हूं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मैं सैयदा नाहिदा खादरी जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरे शौहर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम लोगों के बीच में जो नाइतफाक थे, मेरे मेरे बच्चों के बीच में, मेरे हस्बैंड के बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर हो चुका है। और मैं आज मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ अपने घर जा रही हूँ। और जितने भी लोगों ने हमारे लिए, जैसा कि कई सारे लोगों का कहना था, मेरे भाई बहनों का, कि आप अपने घर जाइए, अपने शौहर के पास जाइए। देखिए आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकते हैं एक औरत के दिल की तकलीफ क्या होती है, लेकिन मेरी मजबूरी, मेरी तकलीफें बस मेरे तक सीमित थी। लेकिन इंशाल्लाह मैं आज से जो भी है अपने घर जिंदगी संभालने की कोशिश करूंगी, अपने घर में जाके अपने खुशी से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी। और साथ में मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग जो हमारे लिए गलत कमेंट्स करते हैं या फिर मेरे और मेरी फैमिली के बारे में मीम्स बनाना, मेरे बच्चों को, मेरे को बदनाम करना, ये मेहरबानी करके अगर आप लोग नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है मेरे ही लिए, बल्कि नगरी में आप लोग दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी हमारी बहनें, खुदा के लिए आप लोग उनके लिए चीजें मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से कई सारे लोगों की जिंदगियों पे गलत असर पड़ता है और कई सारे घर टूट जाते हैं इस वजह से। लेकिन और एक बात मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि मेरे शौहर से कुछ गलतियां हुई हैं, इन्होंने कई लोगों के दिल दुखा है, कई लोगों पर एलिगेशन लगाकर उन लोगों को बदनाम करना, या लोगों के वो भी बीवी बच्चों को वापस बुलाने के जज्बात में आकर इन्होंने इतना सब कुछ किया है। मेरे सामने भी इन्होंने एग्री हुई, जिसके लिए कि नाहिद मैं सिर्फ तुम्हारा को घर बुलाने के लिए मैं इतना सब कुछ करा,
मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं भी आप लोगों से माफी चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को तकलीफ उठाना पड़ा, जितने भी लोगों को हमारी वजह से कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, कई सारे इल्जामों का सामना करना पड़ा, कई सारी बदनामियों का आप लोगों को सामना करना पड़ा, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह बस दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे भी हमारी सबकी जिंदगी अच्छी रहे, और इंशाल्लाह आज के बाद मेरे हस्बैंड किसी के लिए भी कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी है हम लोग इंशाल्लाह अपने घर का मैटर इंशाल्लाह हमारे घर में ही रहेगी हर बार, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके यहाँ पर दुआ करिए। और साथ ही मैं 7S न्यूज के जो चेयरमैन है अब्दुल हकीम भाई, मैं उनका तहदे से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अपनी छोटी बहन मानते हैं, और मेरे तमाम मीडिया के जितने भी सीनियर्स हैं वो लोग भी मुझे हर बार एक अच्छी सलाह दिए हैं, अच्छी राय दिए हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। खासतौर पर खुसूसी हकीम भाई जब अपना वक्त निकालकर आज हमारे जो बैठक हमारे पास जो आज बातचीत थी, जिसमें मेरे हस्बैंड का मेरा कंप्रोमाइज का दिन था आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह हकीम भाई बीच में रहकर कंप्रोमाइज कराए, इसके लिए मैं हकीम भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह मैं और मेरे बच्चे हमेशा हकीम भाई को दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।